से डॉटर तो नहीं बोल सकता कोई भी. दिस इज डिस्गस्टिंग. This is disgusting, guys. Seriously, this is disgusting. People said that? Yeah. Oh my God, wow. This is disgusting. Like, this is disgusting. मेकर्स एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे फुकरा इंसान को गलत दिखाने के लिए. आज वीकेंड के बारे में कंटेस्टेंट्स को एक टास्क मिला जिसमें उनको गेस करना था कि किसने उनके बारे में क्या बोला है. अब आती है जिया की बारी जिसमें उनको दिखाया जाता है ये जिसमें लिखा था जिसमें एक्स ने कहा जैद मुझे यही कहता था जिया मेरी बेटी जैसी है ये डॉटर डॉटर बोल के. समझ रहे हो आगे क्या लिखा है आप समझ सकते हो ठीक है. अब होता क्या है कि जिया गेस नहीं कर पाती है बट बाद में पता चलता है कि फुकरा भाई ने ये बात बोली थी. बट फुकरा भाई ने क्या बोला था डॉटर डॉटर बोल के वह बोल के वह ये एक टिपिकल दिल्ली वाली स्लैंग है जहाँ अक्सर लोग यूज करते हैं भैंस की आंख भैंस की टैट. बट यहाँ पे मेकर्स ने क्या दिखाया. अब इससे तुम लोग क्या समझोगे. सिंपल सी बात है मेकर्स चाह रहे हैं फुकरा इंसान को गलत दिखाना. भैंस की को बीसी बना दिया. वाह भाई वाह नाइस गेम. नहीं यूं तो कोई उनके ऊपर उनके जेंडर के ऊपर सवाल उठाता है उस बात को क्यों नहीं बोली जाती ना वीकेंड के वार पे बोली जाती ना टास्क में बोली जाती. इस बात को मेकर्स क्यों दबाना चाह रहे मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है. बट यहाँ पे फुकरा इंसान ने कुछ और बोला और यहाँ पे कुछ और दिखाया जा रहा है. भाई सिंपल सी बात फुकरा इंसान को गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है मुझे नहीं पता क्यों. अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई उनके रिलेशनशिप में कैसे उंगली उठाई जा रही. अबे एक चीज समझो जिस तरीके से जैड की हरकतें हैं लड़कियों के प्रति मेरी बात समझो वो जिस तरीके से हरकतें करता है मेरे को क्लिप मिला है मैं लगाऊंगा नहीं ठीक है. मैं नहीं लगाना चाहता वो क्लिप को बट बहुत लोगों ने देख लिया होगा सोशल मीडिया पे ठीक है. जिस तरीके से उसका गेस्चर रहता है किसी भी बाप का अपनी बेटी के प्रति या जिसको वो बेटी मानता है ऐसा नहीं रहता हमारे देश में तो नहीं रहता भाई हमारे संस्कृति में तो ऐसा नहीं होता. और ऑडियंस सब कुछ देख रही है उनको पता है क्या सही है क्या गलत है भाई सब देख रही है. बट यहाँ शो पे लोग डिस्कस्टिंग डिस्कस्टिंग ये कौन कह सकता है ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड जिसको देख के आई वाज लाइक और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह. नहीं एक तरफ जिया ने भी अभिषेक को गाली दी थी अभिषेक ने भैंस की बोला उसका ये लोग बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं ठीक है. एक तो गलत दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और मुद्दा भी बना रहे हैं. जिया ने भी तो अभिषेक को गाली दिया था उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता क्यों इंग्लिश में गाली दिया था इसलिए इंग्लिश में गाली देना कूल है इसलिए भाई गाली गाली होती है इंग्लिश हो या हिंदी गाली गाली होती गाली तो उसने भी दिया था जिया ने अभिषेक को तब क्यों नहीं लेते उसकी क्लास ये सब क्यों नहीं दिखाया. हाला इस बात का बवाल बना रहे हैं कुछ पेड़ लोग भाई वाह जी वाह क्या बोले भाई क्या ही बोले. यार हमको ये भी देखने को मिला कि घर वालों ने डिसाइड किया कि अभी बचे हुए जितने भी हफ्ते हैं उन हफ्तों तक अभिषेक कैप्टन नहीं बनेगा घर में. खैर ये जो इनका डर है अभिषेक के प्रति अच्छा लगा देख के काफी अच्छा लगा कि डरते हैं लोग अभिषेक से तभी तो उसको कैप्टन नहीं बनाना चाहते. बट पूजा भट्ट मैम हमारी लाडली मैम क्या कहती हैं कि भैया अभिषेक भाई जो है वो नॉमिनेशन से डरते हैं. खैर ये चीज तो देख के अच्छा लगा कि अभिषेक भाई ने अच्छा जवाब दिया उनको कि भाई मैम मैं नहीं डरता नॉमिनेशन से मुझे एक बार डालो बार बार डालो मैं नहीं डरता. बट पूजा मैम तो पूजा मैम है भाई बातों को घुमाने लगी डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक बातें करने लगी. भाई बंदे का भाई गुस्सा होना बनता है एक तरफ तुम उससे मीठी मीठी बातें करते हो अभिषेक योर बेस्ट ये बोल के उसको प्रेस करते हो फिर बाद में उसका नाम लेते हो और बोलते हो कि आप कैप्टन नहीं बनना चाहिए. अरे भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. यार देखो आज के एपिसोड में ना अभिषेक को डिफेम करने की उसको गलत दिखाने की नेगेटिव दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश की. बट कभी पूजा भट्ट के साथ भी करो ऐसा. हाँ पूजा भट्ट ने भी तो भाई जो बात थी परवरिश वाली वो पूजा भट्ट ने ही शुरुआत की थी. बट डांटा किसको फलकनाश को. पूजा भट्ट और बेबिका जेट पे रोज बरसते थे बट डांटा किसको बेबिका को. पूजा भट्ट को तो भाई पूजा 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 करके एकदम सर पे चढ़ा दिए एकदम भाई एकदम यहाँ पे बिठा दिए उसको कुछ कोई बोलता ही नहीं है. नहीं है जो हमारी पूजा भट्ट है जितना बातों को घुमाती है जितना डिप्लोमेटिक बनती है जितना डोमिनेटिंग बनती है मेरे को तो भाई देख के अच्छा लगता है और खुशी होती है कि मेरा भाई फुकरा भाई जो है वो भाई डट के जवाब देता है वहां पे वो डरता नहीं भाई जवाब देता है. और फुकरा भाई के लिए एक चीज और कहना था बेसिकली उनके हेटर्स के लिए कहना था जो इंटरनेट पे कुछ भी बातें करते हैं उनके प्रति. भाई देखो फुकरा भाई अगर ये शो जीतेंगे ना तो इसलिए नहीं जीतेंगे कि उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है बाहर इसलिए जीतेंगे क्योंकि वो उस गेम को अच्छे से
खेल रहे हैं जो उनको एक डिजर्विंग विनर बना रहा है। जिस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं ना भाई, सबको पसंद आ रहा है। मैंने बहुत बार ना ट्विटर स्पेसेस पे जाता हूँ जहाँ पे लोगों की डिबेट होती है, वहाँ पे ओजी बिग बॉस फैन होते हैं, तो मैं फुकरा भाई को डिफेंड करने वहाँ जाता हूँ। और वहाँ पे मैं ना बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं कि मैं फुकरा भाई का कभी फैन नहीं था, ना ही मैंने उनके बारे में कभी जाना है, ना ही वीडियोस देखी है, बट वो जब उनको मैं शो में देखा, उनका गेम देखा, तब से मैं उनको सपोर्ट करने लगा हूँ। और उनकी ये जो क्वालिटी है, जिस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं, वो उनको जिताएगी ये शो। तो भाई अपना बंदा ना सिर्फ ऑडियंस के दम पे वहाँ नहीं खेल रहा, वो जिस तरीके से अपना गेम खेल रहा है ना, उस हिसाब से भी वो जीतेगा। समझ आई बात? आगे हम जो ऑडियंस है, जो सालों से फुकरा भाई को जानते हैं, हम जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया अपने लाइफ में, कितने अच्छे हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्यार है वो तो बना रहेगा, और जो जलते हैं जलो भाई, जल जल के काले हो जाओ, मुझे क्या, हमें क्या। सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, बाय बाय, पीस आउट।